गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं और हमने दूसरे चैप्टर की पहले एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना चाहिए, आपको इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो एकदम फॉर्मूला होंगे और उन फॉर्मूले को हमने इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। देखो, जो हमारे शुरुआत के दो क्वेश्चन हैं, सिद्ध करो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध करो 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये दो क्वेश्चन तो है लेकिन ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है अपने इंट्रोडक्शन में। अगर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है तो x की जगह पे साइन थीटा पुट कर देना, और कोस वाला क्वेश्चन है तो x की जगह पे कोस थीटा पुट कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 सिद्ध करो। ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो देखो, एक काम करो, लेफ्ट साइड लेके चलो। लेफ्ट साइड है हमारी टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ठीक है ना। एक काम करो, जो 2/11 है इसको x लेट कर लो और जो 7/24 है इसको y लेट कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। आपको ये भी प्रूफ कराया था, तो इसको ऐसा करना, टेन इनवर्स x की जगह पे 2/11 प्लस y की जगह पे 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, ठीक है ना। बिल्कुल जैसा फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिए। ये x है प्लस y, ये y है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो, टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लो, 11 मल्टीप्लाई 24 क्या होगा, एलसीएम होगा। और इसके बाद एक काम करो, 11 से डिवाइड करो तो 24 की 2 में मल्टीप्लाई 48, फिर प्लस 24 से डिवाइड होगा ये तो 11 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 77 होगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 2 की करो कितना होगा, 14 अपॉन 11 की 24 में करो, 264 होगा ना। और ऐसे कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, क्या होगा यहाँ से, ये टेन इनवर्स ये कितना होगा, इनको ऐड कर लो, 8 और 7 15 होंगे और 7 और 4 11 और 1 12, 125 बटे 11 गुणा 24 वही होगा 264, और बटे में 264 है ना ये, इसके ऐसे सोल्व कर लो इसको, तो 264 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से 14 हम माइनस कर देंगे तो 250 बचेगा, और अपॉन में कितना है, 264। अब देखो, 264 से 264 कैंसिल कर दो, 125 एकम 125, 125 दूनी 250, तो इसका आंसर निकाल सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू है टेन इनवर्स 31/17, ठीक है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है। पहले तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो 2 टेन इनवर्स x का, और इसको रहने दो सेम, और फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की फॉर्म बन जाएगी। तो देखो, लेफ्ट साइड ले लो इसकी, लेफ्ट साइड है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 टेन इनवर्स x का, टेन की फॉर्म में, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। और इसके दो फॉर्मूले और थे, एक था साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक था कोस की फॉर्म में कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिलहाल हम टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन की फॉर्म वाला यूज़ करेंगे। तो टेन इनवर्स टू एक्स लिखो, टू एक्स के यहाँ वन अपॉन टू हो गया टू एक्स, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू का स्क्वायर, अब प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन रखो सेम, टू से तो टू कैंसिल कर दो, तो टेन इनवर्स ये ऊपर क्या बचेगा वन अपॉन, देखो नीचे क्या बचेगा वन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर कितना होगा वन अपॉन फोर और प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, चार एकम चार, चार में से गया तीन, तीन बटे चार बचेंगे, चार को ऊपर भेज सकते हैं, तो टेन इनवर्स फोर अपॉन थ्री प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। अब देखो फोर अपॉन थ्री को तो क्या मान सकते हो x, और जो वन अपॉन सेवन है इसको क्या मान सकते हो y, तो tan इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया सेम यही वाला, tan इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस y, x मतलब क्या 4 अपॉन थ्री प्लस y का मतलब क्या है 1 अपॉन सेवन अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 4 अपॉन थ्री और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन सेवन, ऊपर एलसीएम ले लो, तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21, 3 से कैंसिल करो 7 टाइम 7 की ऊपर 7 चौक 28 प्लस 7 या 21 3 एकम 3 फिर बटे में आ जाओ, देखो 4 तो है ऊपर 4 एकम 4 और 7 या 21 21 है नीचे और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 21 एकम 21 21 में से 4 घटाओ 21 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 17 बचेगा और बटे में 21 सेम, अब 21 से 21 कैंसिल कर लो 28 और 3 कितने होंगे 31 होंगे ना, तो tan इनवर्स 31 अपॉन में क्या बचेगा 17। ये हमारी कौन सी साइड थी राइट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड हम लेके चले हैं और हमें क्या मिल गई राइट साइड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है दोनों में हमें क्या करना था प्रूफ करना था, इसमें भी हम लेफ्ट साइड लेके चले हैं और ये हमें क्या मिल गई राइट साइड, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर था इसमें भी हम लेफ्ट साइड लेके चले हैं और हमने सोल्व करके राइट साइड यहाँ पे लेके आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स को निम्नतम रूप में लिखो, ठीक है ना, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप एक काम करो, इसमें आप एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट कर दो, तो एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, अगर आप x बराबर tan थीटा रखोगे tan को इधर लेके आओ tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बचेगा, तो थीटा के जहाँ पे हम tan इनवर्स x भी रख सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, x की जहाँ पे रख रहे हैं tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है x है ना, तो इस x की जहाँ पे रख लेंगे हम tan थीटा। अब tan इनवर्स देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec के ऊपर स्क्वायर है और फिर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा tan थीटा। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स देखो sec थीटा को लिख लो 1 अपॉन cos थीटा और माइनस 1 रहने दो सेम, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या बचेगा साइन थीटा,
अब देखो इसमें फॉर्मूला यूज करो, जो 1 माइनस कोस थीटा होता है ना, ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रखना इसको, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जो ये साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा की जगह पे लिख लेंगे हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर लो और साइन थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल कर लो, तो टेन इनवर्स ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा बाई 2। अभी देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 ये क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 होगा ना, तो इसकी जगह पे हम टेन थीटा बाई 2 रख सकते हैं। अब देखो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन में तो थीटा कहीं था ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू पुट करो टेन इनवर्स एक्स, तो ये 1/2 तो है ही यहाँ पे, और थीटा की जगह पे लिख लो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, कौन से की, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² - 1/x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब छठे क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टेन इनवर्स 1 √(x²-1), तो इसमें काम करो, तो यहाँ पे लिख लो x = cosec थीटा रखने पर, तो x = cosec थीटा रखेंगे, या ऐसा भी कह सकते हो ना cosec inverse x = थीटा, इस cosec को इधर लेके आओ, cosec inverse x होगा = थीटा, रखो उसमें tan inverse 1/, यहाँ पे रख दिया हमने cosec²θ - 1, इसका स्क्वायर रूट। अब tan इनवर्स 1/ cosec²θ - 1 होगा cot²θ, और इसके ऊपर रूट भी है। अब tan इनवर्स देखो 1/ cot²θ के ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो तो 1/ क्या बचेगा, cot θ। अब tan इनवर्स जो 1/cot θ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल कर लो तो क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा तो क्वेश्चन में था भी नहीं, तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, cosec इनवर्स x। तो ये वाली इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, बात समझ में आ रही है। तो अभी तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे, 6। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - cosec / 1 + cosec को निम्नतम रूप में लिखो। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 - cosec है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin² x / 2 अपॉन जो 1 + cosec है, इसको लिख सकते हैं हम 2 cos² x / 2, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, अब यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, या ऐसा भी कर सकते हो tan² x / 2 sin² x / 2 / cos² x / 2, तो tan² x / 2 होगा और रूट रहेगा सेम। अब tan इनवर्स देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो तो अंदर क्या बचेगा, tan x/2, और tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, x/2। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में x/2 भी लिख सकते हैं, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan इनवर्स cosec - sin x / cosec + sin x को निम्नतम रूप में हमें लिखना है। तो एक काम करो, tan इनवर्स देखो जो इसका अंश और हर है, जो इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, उसको cosec से डिवाइड कर दो, अंश को भी cosec से डिवाइड कर दो और हर को भी cosec से डिवाइड कर दो, क्या होगा उससे, देखो cosec को cosec से डिवाइड करोगे 1, माइनस sin x को cosec से डिवाइड करोगे क्या होगा, tan x, अपॉन cosec को cosec से डिवाइड करोगे 1, प्लस sin x को cosec से डिवाइड करोगे tan x। अब देखो tan इनवर्स जो 1 है ना, इसको हम tan π/4 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, tan 45 की वैल्यू 1।
माइनस टेन एक्स लिखो सेम, अपॉन वन प्लस ये वाला वन सेम रख लो और इसकी मल्टीप्लाई में वन मान लो, टेन एक्स की मल्टीप्लाई में क्या मान लो वन, और जिसको वन मानना उसकी जगह पे लिख लो टेन पाई बाई फोर, और इनटू में जो टेन एक्स है उसको रखो सेम। अब ध्यान से सोचो एक बात, इसको टेन ए इसको टेन बी मान के चलो, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखो टेन इनवर्स, यहाँ पे फॉर्मूला बना है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का, ए का मतलब ये और बी का मतलब ये, तो ए माइनस बी, ठीक है ना, इस सारे को हम टेन ए माइनस बी इतना लिख सकते हैं। अब देखो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है ना, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये थे हमारे आठ क्वेश्चन, चलिए अब नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निम्नतम रूप में लिखो, तो इसको हम एक काम करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर क्या रखेंगे ए साइन थीटा, ए मल्टीप्लाई में है ना, ए को डिवाइड में भेज दो, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या साइन थीटा, और साइन को इधर भेज दो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू कितना थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लो पुट, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर दो, और एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करने का मतलब है कि थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो चलो करते हैं इसको सोल्व, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर रखो सेम, माइनस एक्स की जगह पे ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा वन, और यहाँ से बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सारी बात किसके अंदर है रूट के अंदर। अब टेन इनवर्स ये क्या है ऊपर ए साइन थीटा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर तो है ही, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों के ऊपर है स्क्वायर रूट। तो एक काम करो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो दोनों के स्क्वायर से दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या ए साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा ए कोस थीटा, तो ए से ए कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा टेन इनवर्स, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को लिख सकते हैं हम टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा बचेगा तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। देखो क्या लिखा है इसमें, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक काम करो एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर दो, एक्स की जगह पे क्या पुट करो ए टेन थीटा, और एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट करोगे तो इसको आगे बढ़ाओ एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा होगा, और टेन को इधर लेके आओगे तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, थीटा की जगह पे हम टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए रख सकते हैं। तो करते हैं इसको सोल्व, टेन इनवर्स देखो थ्री ए स्क्वायर तो रखो सेम, हमें मतलब किससे है एक्स से मतलब है, इस एक्स की जगह पे रखेंगे ए टेन थीटा, माइनस एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब की जगह पे हम रख सकते हैं ए क्यूब टेन क्यूब
थीटा, क्योंकि x की जगह पे a tan थीटा है, x का क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब करोगे, अपॉन a क्यूब माइनस 3a, 3a तो सेम रखो, और x स्क्वायर है ना, x की जगह पे तो a tan थीटा, हमें करना है x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स, देखो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ए क्यूब, ए क्यूब यहाँ पे भी है, ए क्यूब यहाँ पे भी है, और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए क्यूब, ए क्यूब यहाँ पे भी है। देखो ऊपर से भी और नीचे से भी ए क्यूब कॉमन ले लो, और कॉमन लेके कैंसिल भी कर दो, कैसे, ए क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 tan थीटा, माइनस यहाँ से ए क्यूब बाहर निकल गया, तो tan क्यूब थीटा बचेगा, अपॉन ए क्यूब जब कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा, और माइनस यहाँ से बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान देना बात पे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला किसका, tan 3 थीटा का, तो इसके जहाँ पे हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 3 थीटा, और 3 तो रखो सेम, थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x अपॉन a पुट कर सकते हैं, तो tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है ना, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, राइट। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन।